नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। आज के दिन की बात करें, आज के दिन हमें शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, जो कि 8.5% से भी ज़्यादा के देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस शेयर से जुड़ी हुई टाइम टू टाइम मैं अपडेट लेके आता रहता हूँ। इसी हफ्ते की बात करें, इस शेयर से जुड़े हुए 4 बड़े ऑर्डर पर वीडियो बनाई है कंपनी को। इसी हफ्ते 4 बड़े ऑर्डर देखने को मिल चुके हैं, जिसके बाद इस शेयर में अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली है। आज के दिन भी इस शेयर से जुड़ी हुई एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिली है। इस शेयर को एक और अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर देखने को मिला। सबसे पहले लेके चलता हूँ आपको इसकी न्यूज़ पे, जहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रिसीव वर्क ऑर्डर ₹120 करोड़। दोस्तों, इस कंपनी को एक और अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर देखने को मिल चुका है, जिसके बाद आज के दिन इस शेयर में एक बार फिर से एक अच्छी खासी बाइंग होती हुई देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस शेयर से जुड़े हुए आपके बहुत ज्यादा कमेंट देखने को मिल रहा है कंपनी को क्या एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि कंपनी पिछले 6 मंथ में एक अच्छा खासा रिटर्न दे चुकी है। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूंगा, ये कंपनी आने वाले समय में 500 जाने का पूरा दम रखती है, जिस हिसाब से कंपनी को ऑर्डर देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से सरकार रेलवे सेक्टर को सपोर्ट करती हुई देखने को मिल रही है। दोस्तों, आप अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी आपको पता लगेगा कंपनी ने एक अच्छे खासे रिटर्न के दे दिए थे, जो कि 84% के आसपास देखने को मिले थे। अगर आपने इस शेयर को यहाँ पे प्रॉपर्ली बुकिंग कर ली होती तो आप इस रिटर्न को नहीं ले पाते, जो कि आपको बाद में बुरा लगता था। दोस्तों, अगर अभी की बात करें, कंपनी एक बार फिर से ऊपर जाती हुई देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी को एक अच्छे खासे ऑर्डर देखने को मिलते जा रहे हैं। कंपनी को पिछले 2 क्वार्टर से जबरदस्त ऑर्डर देखने को मिलते जा रहे हैं। कंपनी पिछले 6 महीने से एक अच्छा खासा रिटर्न देती हुई देखने को मिलती जा रही है। यहाँ से भी कंपनी में दम है कि आने वाले समय में कंपनी यहाँ से भी आपके पैसे 2 गुने कर सकती है। बस कंपनी आपसे मांग रही है टाइम दीजिए, कंपनी आने वाले समय में यहाँ से भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देने का पूरा दम रखती है। तो अगर आपके पास शेयर है, मैं आपको ये बोलूँगा होल्ड कीजिए, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अगर प्रॉफिट बुकिंग हुई तो इस शेयर में और इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिस हिसाब से इस शेयर से जुड़ी हुई न्यूज देखने को मिलती है। आप इस शेयर से आने वाले समय में करोड़पति बन सकते हो, अगर आप इस शेयर में SIP करते हो, क्योंकि सरकार के बड़े बड़े प्लान जैसे रेलवे सेक्टर से जुड़े हुए मैंने किया है, रेलवे सेक्टर आने वाले समय में मल्टीबैगर बनता हुआ देखने मिलेगा, जो कि इस शेयर से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी दिलाएगा। तो जाते जाते ये बोलूँगा, इस शेयर में प्रॉफिट बुकिंग मत कीजिएगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर आप इस शेयर को रखना चाहते हैं तो होल्ड कीजिएगा, शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये शेयर नीचे आ सकता है, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगा इस शेयर को बाय करके चलिएगा, जिस हिसाब से कंपनी काम करती हुई देखने को मिलती है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी को ऑर्डर देखने को मिल रहा है, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट भी नए ऊंचाइयां छूते हुए देखने को मिलेंगे। अगर कंपनी का रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, EPS बढ़ेगा तो कंपनी में पॉजिटिविटी देखने को मिलती जाएगी, कंपनी में बाहर आते जाएंगे और ये शेयर आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलता जाएगा। तो जाते जाते ये बोलूंगा, शेयर को बाय करने का जरिया है तो बाय करके चलिए, क्योंकि ये स्टॉक आने वाले समय में यहाँ से भी मल्टीबैगर रिटर्न देने का पूरा दम रखता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।